जो खुद भगवान हो तो वे सूली पर चढ़ गया, वो अपने आप को नहीं बचा सका, वो हमें क्या बचाएगा। तो मैंने उसकी एक हंसी उड़ाई, इनकी सरकार दोबारा से आ गई ना तो मेरे ख्याल से या तो ईसाइयों को यहाँ से पलायन करना पड़ेगा, मुसलमानों का तो चलो हम मान रहे हैं उनमें कुछ लोग जिहादी हैं, उनको ऐसे जिहादी है कुछ लोग बेधड़कों के चर्च में घुसाएंगे, बाइबल को फाड़ देंगे, मारेंगे पीटेंगे, उनके खिलाफ तो मुकदमा पुलिस ने क्या दर्ज करना है, उल्टे बेचारे पादरी मुकदमा दर्ज कर। ये कहते हैं जिस पत्थर पे राम राम लिख दिया था वो डूबे नहीं थे, वो इतनी शक्ति थी उनमें, शक्ति थी। मूसा जो कि सिर्फ चेला था यीशु मसीह का, यीशु मसीह तो बाद की बात है, वो क्या चीज थे, मूसा ने लाठी मारी, समंदर दो भाग हो गया। मैडम मुझे एक भी देवी देवता का नाम गिनवा दे धरती में पैदा होने के बाद वो दोबारा जिंदा हुआ, सिर्फ यीशु मसीह के, एक भी धर्म का व्यक्ति, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो सिख है, चाहे वो मुसलमान है। यीशु मसीह कोई पति पत्नी के संभोग से पैदा नहीं हुए थे, पवित्र आत्मा से पैदा हुए थे। बताओ आज तक कोई पैदा हुआ है? नमस्कार, मैं ज्योति आप सभी का नेशनल दस्तक पर स्वागत करती हूं। इन दिनों हिंदू राष्ट्र को लेकर कई चर्चाएं लगातार जारी हैं, लेकिन अभी कई सारे लोग ऐसे हैं जो बार बार लगातार ये कह रहे हैं कि किस प्रकार से हिंदुत्व को बढ़ावा देकर ढोंग रचा जा रहा है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, इस वक्त मेरे साथ प्रदीप जी मौजूद हैं जो कई सारे बड़े खुलासे करेंगे हिंदू राष्ट्र को लेकर, हिंदुत्व को लेकर, और किस प्रकार से जातियों में लोगों को अभी भी बांटा जा रहा है, किस प्रकार से ब्राह्मणवादी सोच को बढ़ावा दिया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे प्रदीप जी? सबसे पहले तो आपके नेशनल दस्तक का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि मैंने पहला ही ऐसा चैनल पिछले 10 सालों में देखा है, चाहे इस समय 100 चैनल से ऊपर है, लेकिन आज तक किसी चैनल के एंकर की हिंदू लोगों से वो सवाल करने की हिम्मत नहीं जो आपके नेशनल दस्तक के शंभू जी कर रहे हैं। मैं तो चाहता हूँ इनको एक दिन हम अंबाला हरियाणा में बुला के इस नेशनल दस्तक के शंभू जी का और इनके एक एक मुद्दे पर आइए। ये कहते हैं कि मैम हिंदुत्व तो खतरे में है, मैं आपको सबूत दिखाता हूँ। इंडोनेशिया में 87% मुसलमान और मैं 1.74% हिंदू हैं, लेकिन हिंदू सुरक्षित हैं, खतरे में नहीं है। मलेशिया की कुल आबादी का 63% मुसलमान और 6.3% हिंदू है, लेकिन वहाँ हिंदुओं पर कोई खतरा नहीं है। अरब देशों का में तो धर्म ही इस्लाम है, 98% मुस्लिम है, वहाँ कोई 1% हिंदू है, लेकिन उन पर भी कोई खतरा नहीं है। सिंगापुर में भी 7% हिंदू हैं, लेकिन सुख से रहते हैं वहाँ भी। ये जो पर्चा ये मुझे दिखा रहे हैं कि भारत में ही क्यों, लिखा है भारत में ही क्यों अचानक हिंदू खतरे में है। पर्चे में कई सारे राज्य लिखे हैं, कई सारे देश लिखे हैं, कई सारी जगहें लिखी हैं, और ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि वहाँ पर हिंदुओं की संख्या अधिक नहीं है, बावजूद इसके वो लोग वहाँ पर खतरे में नहीं हैं, लेकिन भारत में तो सबसे अधिक संख्या हिंदुओं की ही है, हिंदुत्व की ही है, सनातनियों की ही है, जो लोग बार बार कह रहे हैं, उसके बावजूद हिंदू खतरे में कैसे है? अब मैम ये देखिए, यहाँ से भारतवर्ष से मेरे हिसाब से लाखों हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, सिख भाई फॉरेन में गए हुए हैं, वहाँ तो टोटली क्रिश्चियन है, वहाँ तो ये या तो क्रिश्चियनों के साथ नौकरी करते हैं उनके यहाँ जाकर, या बिजनेस करते हैं। आज तक आप इतने बड़े चैनल के रिपोर्टर हैं मैम, आज की तारीख तक हमने नहीं सुना कि यहाँ से लाखों लोग वहाँ पर जाकर नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, यहाँ के गए किसी हिंदू को आज तक उन्होंने वहाँ पर उसका धर्म परिवर्तन नहीं करा, जहाँ टोटल का टोटल साम्राज्य क्रिश्चियनों का है, वहाँ तो किसी और सरकार से पूछने की भी जरूरत नहीं है। आपका कौन धर्म परिवर्तन करवा रहा है? कोई धर्म, मैं खुद हिंदू परिवार से था मैम, 92 में शिवसेना का प्रेसिडेंट था, मैंने अपनी मर्जी से अपना धर्म परिवर्तन करा है, मैंने एक क्रिश्चियन लड़की से शादी करी थी। ये कहते हैं धर्म परिवर्तन कराते हैं। 84 में मेरी शादी हुई थी, सन 2001 तक मेरी पत्नी की कभी हिम्मत नहीं पड़ी थी, मुझे ये कहते मंदिर चलो या गुरुद्वारे चलो, मैं जबकि 5-5, 6-6 घंटे पूजा पाठ करता था, 9 आरती मैं जब तक कर नहीं लेता था मेरी दिनचर्या शुरू नहीं होती थी, कहता हूँ मंदिर में पुजारी लेट हो जाता था, मैं उससे पहले पहुंचा होता था। 2001 में मैं क्यों करा आपने, क्रिश्चियन में क्यों? मैं बताता हूँ मैम, 2001 में मेरी जवान बेटी +2 में पढ़ रही थी जीसस मैरी कॉन्वेंट स्कूल में, वो अपने नाना नानी के पास करनाल गई हुई थी और सड़क क्रॉस करी थी मोपेड से, एक ट्रक ने उसके छीतड़े उड़ा दिए, कुचल दिया था मेरे बच्चे को, सिर्फ खोपड़ी रह गई थी। उसके बाद उसकी खोपड़ी मेरी आंखों से हटती नहीं थी, मेरी दिन की शुरुआत नशे से होती थी, अगर मैं 5 बजे उठता तो मुझे नशा चाहिए, और रात को जब तक मेरी गर्दन नहीं लग जाती थी तब तक मैं नशा करता था। लेकिन मेरी पत्नी ने बड़ी डरते हुए मुझसे आके कहा,
क्या, क्योंकि वो जानती थी कि मैं हिंदू को कितना कट्टर हिंदू हूँ। उसने मुझे फिर भी डरते हो कहा अगर कहो तो घर पे किसी पादरी को प्रार्थना के लिए बुलाएं, मगर तेरा पादरी क्या करेगा, हमारे 33 करोड़ देवी देवता हैं वो नहीं कुछ कर पाए। जब से मैंने तेरे से शादी करी मेरे सारे परिवार वालों ने मुझे छोड़ दिया, मेरी जवान बेटी चली गई, क्या तुम्हारा वो करे। कहती चलो मैं भी तो आपके साथ मंदिरों में गुरुद्वारों में पीरों पर जाती रही हूँ, आप वो पादरी आएंगे आपने, मैंने कहा मैं करूँगा कुछ नहीं। वो कहती कोई बात नहीं, कट्टर हिंदू थे कट्टर। लेकिन आपकी पत्नी ने आपको ये कहा, सजेशन दिया कि पादरी आ जाएं, तो आपने उन्हें बुलाया? नहीं नहीं, उसने ये कहा, मैं बेटी की वजह से परेशान था ना, मेरा उसका चेहरा बच्ची का हटता नहीं था मेरे, तो मैं बोला भी बुला लो मुझे कोई टेंशन नहीं, मैं कुछ करूंगा नहीं। तो वो पादरी साहब आते थे, मुझे नहीं पता 5-7 मिनट वो क्या प्रार्थना करते थे, मुँह से कुछ नहीं बोलते थे, बस लास्ट में अमीन बोल के चले जाते थे। मैंने तीसरे दिन अपनी पत्नी से कहा, मैं कि अमीन शब्द तो कोई मुसलमानों का लग रहा है भाई, अमीन का क्या मतलब है? तो वो बोली अमीन का मतलब है परमेश्वर ऐसे ही हो जाए। मैं कहा तुम्हारे ही भगवान कोई ऐसा हो गया जो खुद भगवान हो तो वे सूली पर चढ़ गया, वो अपने आप को नहीं बचा सका, वो हमें क्या बचाएगा। तो मैंने उसकी एक हंसी उड़ाई। तो लेकिन जब उसने कहा कि इसका मतलब होता है परमेश्वर ऐसे ही हो जाए, 9वें दिन जब उन पादरी साहब ने आँख खोली और आमीन बोल के मेरी पत्नी से क्या बोले, भाई पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है कि परमेश्वर तुम्हारे पति से क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए बहुत काम लेगा। तो मैं समझ नहीं पाया ये मेरी पत्नी को बेवकूफ़ बनाने आया है या मुझे अपने झांसे में ले रहा है। तो मैंने उसे पादरी मेरे घर से निकल यहाँ से, नशे में तो मैं था ही मैम। तो पादरी साहब बुरा नहीं माने फिर भी, तो उन्होंने एक छोटी सी किताब मेरे हाथ में दी, मैंने उन्हीं के सामने पढ़नी खोलनी तो दूरी बात उठा के परे फेंक दी मैंने, और वो चले गए। लेकिन अगले दिन जब मैं सुबह उठाऊँ, 5 बज गए, 6 बज गए, 7 बज गए, 8 बज गए, 9 बज गए, 10 बज गए, जो नशा मैं सुबह 5 बजे उठते ही करता था वो 10 बजे तक मेरा दिल ना करे, हार के शाम को 4 बजे मैंने जबरदस्ती। ऐसे तो कई चमत्कार हिंदुओं में भी हुए हैं, नहीं तो भगवान श्री राम ने भी करे हैं। मैं मेरी बात सुनिए, अगर मैं कहूँ चमत्कारों, मैंने भी गीता पढ़ी है, रामायण पढ़ी है, लेकिन अगर हम कंपेरिजन करें, मैं ये नहीं कहता कि वो भगवान नहीं थे, भगवान नहीं तो मैं पागल थोड़ी था, उनकी 9-9 घंटे पूजा पाठ करता था, मेरी एक दफ़ा ज़िंदगी खुद भगवान शंकर ने बचाई थी, ये नहीं, वो भी शक्तिशाली थे। लेकिन कंपैरिजन तो करो, अब नई क्लास में बच्चा स्टूडेंट जाएगा, नई कोई करेगा तभी सीखेगा ना। आप क्या चाहते हैं, जितने भी हिंदू हैं वो लोग हिंदू राष्ट्र न बनाए, बल्कि नहीं नहीं हिंदुत्व का राग ना लापे ना झूठ के, भाई ये क्यों झूठ बोल रहे हैं, हिंदुत्व खतरे में है। आज तक आप बताएं, आज तक आपने कभी सुना किसी हिंदू को सड़क पर किसी ने थप्पड़ मार दिया हो? क्रिश्चियन की तो बात ही छोड़ दो, क्रिश्चियन तो बेचारा खाम में नहीं सो सकता, किसी सिख ने मार दिया, किसी मुसलमान। देव बाबा कहते हैं धूप बत्ती जलाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं और करते अपराध है क्रिश्चियन। नहीं नहीं, मोमबत्ती जला, अब मेरी बात सुन, ऐसे तो मोदी ने थालियां बजवाई थी, उससे बड़ा टोटका क्या हो सकता था, वो भगवान की हंसी उड़ा रहे थे, उनकी पूजा कर रहे थे, यार उनको स्वागत कर रहे थे डॉक्टरों का। नहीं स्वागत, मेरी बात सुनिए मैम, को भगा रहे थे। मेरी बात सुनिए, कोरोना तो इन्हीं ऐसे ही लोगों की वजह से परमेश्वर लेके आए, जो इस देश के अंदर ऐसा बीज बो रहे हैं कि मेरे ख्याल से अगले 1-2 साल अगर ये सन 2024 में इनकी सरकार दोबारा से आ गई ना, तो मेरे ख्याल से या तो ईसाइयों को यहाँ से पलायन करना पड़ेगा, मुसलमानों का तो चलो हम मान रहे हैं उनमें कुछ लोग जिहादी हैं, उनको ऐसे मुसलमान जिहादी हैं, कुछ लोग कुछ लोग किस प्रकार जज करते हैं आपकी ये जिहादी? नहीं, मैम जैसे कि मतलब ऐसा होता है ना कि अब कोई जैसे हिंदू का परिवार, हिंदू का बच्चा या सिख का बच्चा या ईसाई का बच्चा है, वो ना किसी खून को देख के भी डर जाता है। इनके ये किसने कहा? अभी हाल फिलहाल में निक्की यादव और साहिल गहलोत का मामला सामने आया है, आफताब से भी बुरा हाल किया साहिल ने, मार कर फ्रिज में पैक कर दिया। नहीं, नहीं मैं वैसे मैं ये नहीं कह रहा कि वो मैम मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि उनके दिमाग से डर इसलिए निकल जाता है कि 8 साल का बच्चा एक बकरे को काट देता है, उसको डर नहीं लगता, क्योंकि खून से डर लगता है इंसान को। अगर सड़क पर भी कोई आदमी, दिक्कत क्या है हिंदुत्व से, हिंदू राष्ट्र से? नहीं, उनको दिक्कत क्या है अगर सभी धर्म के लोग एक साथ मिलके रहे? मेरी बात, ये ईसाइयों को बुरा कहते हैं, अरे अगर ईसाई बुरे हैं तो क्रिश्चियन स्कूलों में बच्चों को क्यों पढ़ाते हो? क्यों हिंदू लोग कई स्कूलों के नाम क्रिश्चियन के नाम पे रखते हैं, क्या जरूरत है? फिर दूसरी बात, अगर क्रिश्चियन बुरे हैं मैम, तो ये वहाँ उनकी नौकरी करवाने क्यों भेज रहे हैं? वहाँ उनके तलवे चाटते हैं ये क्रिश्चियन हो गए, यहाँ उनकी नजरों में क्रिश्चियन बुरे हैं, वहाँ उनके बाप है। सभी के सभी सनातनी है, योगी जी कह रहे हैं सब सनातनी। ओ मैडम जी, क्या सनातनी क्या वो, आप ये देखना कि देश का हाल होने वाला क्या। मुझे एक चीज बता दें, जब से मोदी जी सत्ता में आए हैं इस देश की भलाई के लिए एक भी काम गिनवा दें, सारे अच्छे ही किया, विकास की लहर, विकास, ये विकास की लहर हो रही है, कमाल कर रहे हैं मैम, कौन से कहाँ का विकास, लाख एक एक फलाने खाते में आएंगे उनके, देखिए जो उज्ज्वला योजना अपने लिए लाए मैम, जनधन खाता किसके, एक बात सुनो मैम, उज्ज्वला योजना से ज्यादा देश के लोगों को एक साल में 10 लाख करोड़ का इन्होंने बांटने का वो हो गया, यही हुआ होगा ना, इससे ज्यादा तो नहीं होगा, उससे ज्यादा तो इनके बंदे ले लेके भाग रहे हैं देश से, तो ये उन्हीं के हाथों से तो उन गरीबों को दिलवा के उनके वोट हासिल कर रहे हैं, और उन्हीं को ये मौका दे रहे हैं देश को लूट और भागो। तो वोट की राजनीति तो सभी तो कोई करता है, वोट की राजनीति का ये मतलब है? को खतरे में मत डालिए, हिंदुत्व नहीं, हिंदुत्व खतरे में नहीं है, ईसाई खतरे में है।
मैम हमें तो सड़क पर निकलते में डर लगता है। अब देखिए ना यहाँ पर सभा हो रही थी, इतने में ये डर लग रहा था क्योंकि ऐसा ना हो यहाँ भी आके आ जाए नारेबाजी कर दें और इसको सभा को बंद करा दें। एक पास्टर एक चर्च ले रहा होता है, बेधड़कों के चर्च में घुसाएंगे, बाइबल को फाड़ देंगे, मारेंगे पीटेंगे, उनके खिलाफ तो मुकदमा पुलिस ने क्या दर्ज करना है, उल्टे बेचारे पादरी ने मुकदमा दर्ज कर दिया। सनातनी है ना, सनातनी है, ऐसे सनातनी के एक बात सुनिए, ये 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 तो अपने आप भगवानों को खुद नाराज कर रहे हैं। साईं बाबा जी जब तक जिंदे थे मैडम, उन्होंने हर जगह ये कहा था मेरे मरने के बाद कोई मेरा मंदिर ना बनवाना, ये साईं बाबा जी के कथन है जो बुजुर्ग बताते। आज कम से कम 2 लाख मंदिर भारतवर्ष में साईं बाबा का बन चुका है, तो अब ये बताएं कि साईं बाबा उसके इन काम से खुश हो रहे होंगे या वो रो रहे होंगे। अंबेडकर जी ने संविधान बनाया कि इस देश में सबको समान अधिकार मिले, हैं आर्टिकल 25 में हमें भी अधिकार, सबको तो मिल गया है अधिकार, सबका विकास का नारा ले रहे हैं। आर्टिकल 25 के अंदर ये आजादी है कि कोई भी अपने धर्म को जिस मर्जी धर्म में आस्था रख सकता है, जिसकी मर्जी पूजा पाठ कर सकता है, हमारे ही लिए क्यों होना है। हमारे तो चर्च के जो पादरी हैं उनकी संपत्ति की जाँच तो हो रही है, भाई वो कहाँ से पैसा रहा है क्या कर रहे हैं। आज तक किसी हिंदू में जितने हिंदुओं के मंदिर में पुजारी हैं उनकी आज तक जांच हुई है? आस्था को ठेस पहुंचा रहे हैं आप उनकी। नहीं, आस्था कमाल है, आप वो हमारी जिंदगियों को निगल रहे हैं, हम उनकी आस्था को ठेस पहुंचे ना पहुंचाए, कमाल है मैडम। कैसे है? उनकी आस्था किस बात की आस्था है? आस्था वो होती है जो भगवान से डर के किसी में आए। अगर वो आस्था अपने लिए कर रहे हैं, अपने हेम के लिए कर रहे हैं, तो प्रभु भी देख रहा है, वो न्यायी है। बाइबल में तो लिखा हुआ है, हमें तो ये हौसला है, बाइबल में 365 बार लिखा है मत डर मत डर मत डर। तो ये तो कई इनके तो छोटे छोटे चमत्कार हैं। एक बार मेरा एक हिंदू भाई है, वो बहुत कट्टर नेता है, एक बार मैंने उससे बड़े प्यार से पूछा, यार तुम बुरा ना मानना भाई, जैसे हम भी पूछते हैं तुम भी पूछते हो, यार चलो कंपैरिजन करते हैं थोड़ा सा कि भाई तुम हमें इतना बुरा कहते हो। कोई कंपैरिजन नहीं चाहिए, सिर्फ श्री राम को मानिए, सनातनी है, हिंदू राष्ट्र बनेगा। मैम मेरी बात सुनिए, ये बात कहते हैं बुरा ना मानना, प्रभु मुझे माफ़ करे क्योंकि मैं भी भगवान राम का बहुत अनंत भक्त हूँ। ये कहते हैं जिस पत्थर पे राम राम लिख दिया था वो डूबे नहीं थे, वो इतनी शक्ति शक्ति थी, उनमें शक्ति थी। मैं इस बात का कहा, लेकिन वो बाइबल का एक प्रसंग तो पढ़ लें। बाइबल के अंदर एक सीन ऐसा आ गया था कि 40 लाख लोगों को लेके मूसा जा रहा था, पीछे से सेना आ गई, आगे समंदर था। समंदर एक ऐसी चीज़ है जिसकी तह नहीं दिखती है। मूसा जो कि सिर्फ चेला था यीशु मसीह का, यीशु मसीह तो बाद की बात है, वो क्या चीज़ थे, मूसा ने लाठी मारी, समंदर 2 भाग हो गया मैडम। किसी कटोरी का पानी 2 भाग तो करके दिखा दो। ऐसे तो सियावर रामचंद्र ने कईयों ऐसे जो चलो चलो सारी बात करे हैं, सारी बात छोड़ दो, मुझे एक भी देवी देवता का नाम गिनवा दे धरती में पैदा होने के बाद वो दोबारा जिंदा हुआ उस रफ यीशु मसीह के, एक भी धर्म का व्यक्ति, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो सिख है, चाहे वो मुसलमान है, मुझे ये दिखा दे, मैं अपनी गर्दन कटा दूंगा कि मरने के बाद कौन जिंदा हुआ है। हिंदुओं में ये जरूर है 7 व्यक्ति आज भी जिंदा है, वो मरे नहीं है, लेकिन मरे तो नहीं है ना, मरेंगे, मरने के बाद जिंदा हूँ फिर मानेंगे ना हम। भगवान तो हमारे आसपास है, आपके भगवान। मैम कहना दिखाई नहीं देता। मैम एक बार बताइए, बुरा ना मानना, आप एक महिला हैं मेरे बेटी की तरह, आपने आज तक कहीं सुना है साइंस में कि 90 साल के आदमी का बच्चा पैदा हो जाता हो? सुना है, सारा और अब्राहम को 90 साल की उम्र में बच्चा पैदा हुआ। यीशु मसीह कोई पति पत्नी के संभोग से पैदा नहीं हुए थे, पवित्र आत्मा से पैदा हुए थे। बताओ आज तक कोई पैदा हुआ है बिना बिना? बहुत सारी गीताओं ग्रंथ में लिखा है, आपको क्या पता कितने तरह से। नहीं नहीं, बिना माँ बाप के मिलन के, पति पत्नी के मिलन के बच्चा पैदा हुआ, ये बताओ ना मुझे कहाँ लिखा है, एक भी दिखाओ प्रसंग, या एक भी देवी देवता बताओ जो मरने के बाद जिंदा हुआ हो। बस आप ये साबित करने में लगे हैं कि हिंदू राष्ट्र नहीं बनना चाहिए, हिंदुत्व खतरे में नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, मैं दावा करता हूँ अगर वो जितना बुरा ईसाइयों को मानते हैं, अगर वो खुद चर्च में संडे को आके चर्च से बाइबल का पादरी का प्रचार सुन लेना, बाइबल की 2 ही चीजें सिर्फ 2 ही प्रसंग बहुत है, नीति वचन ही पढ़ लें और मती पढ़ लें। मैं गारंटी देता हूँ कि जो भी विरोध कर रहे हैं ना मसीह समाज का और यीशु मसीह का, मैं गारंटी देता हूँ कि खुद वो यीशु मसीह कायल हो जाएंगे। क्या चाहते हैं अब आप, क्या चाहते हैं, क्यों खतरा? चाहता हूँ कि वो जिए जैसे जी रहे हैं, हमें जीने का अधिकार, हमसे क्यों छीन रहे हैं, हमारे चर्चों में क्यों हमले कर रहे हैं, हमारे ही साथ क्यों अनदेखी हो रही है, हम क्या बुरे हैं? अगर बुरे हैं तो फिर हटाओ ना अपने स्कूलों में से क्रिश्चियन बच्चों को। अगर आज ये फॉरेन में इतने लोग गए हुए हैं वहाँ पे, अगर पॉप जो हमारे एक ही हैं सिर्फ, यहाँ तो सरकार को राज्यसभा में वोटिंग करानी पड़ेगी, लोकसभा में वोट डालने पड़ेंगे, विधानसभा में MLA की गिनती होगी। वहाँ तो अगर पोप जी ने एक बात कह दी कि जितने भी भारतवर्ष से हिंदू आए हुए हैं उन्हें वापस भेज दो,
तो जिन माँ बाप ने पता नहीं कैसे कैसे कर्जे ले लेके कैसे मर मर के अपने बच्चों को भेजा है, अरे वो वापस इंडिया में आ जाएंगे तो क्या हाल होगा उनका। देखिए कहीं कितनी बड़ी बात कह रहे हैं, ये कह रहे हैं क्रिश्चियनों का जो अपमान इस तरह से भारत में किया जा रहा है, तुम्हारी आस्था आस्था हमारी आस्था का कुछ नहीं, ये कैसी राजनीति चल रही है इस देश में और हिंदुत्व कैसे खतरे में है। पूरा पर्चा लेकर आए हुए हैं इतने सारे राज्यों के साथ, थाईलैंड है, वियतनाम देश है, यूरोपियन है, अरब है, सिंगापुर है, कई सारे हैं जहाँ पर हिंदुओं की संख्या कम है, फिर भी वो लोग ये नहीं मानते कि हिंदुत्व खतरे में है। यहाँ सबसे अधिक बावजूद इसके ये कहा जा रहा है हिंदुत्व खतरे में है। सोच कर देखिए जनाब किस प्रकार की राजनीति आप लोगों के साथ की जा रही है, और ये तोड़फोड़ का सिलसिला जो लगातार इनके आप कह लीजिए चर्चों पर देखा जाता है वो कितना शर्मनाक है। संविधान में तो लिखा है ना कि जो जिस आस्था को मानना चाहता है, जिस संविधान को मानना चाहता है, वो जाहिर तौर पर उस संविधान को मानेगा। तो संविधान से हटकर कौन सा नया कानून बन रहा है ये पूछते हैं ये लोग। इस बारे में पूरी खबर के बारे में आप क्या कहेंगे मुझे बताना बिल्कुल ना भूलें। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। कैमरा पर्सन आशीष के साथ ज्योति, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।